जय हिंद दोस्तों। एक्स सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। रेलवे में वैकेंसी निकाली गई है। 10% रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए 10% है। पीडब्ल्यूडी यानी डिसेबल पर्सन है तो उनके लिए 4.5% रिजर्व है। इसके बाद चिल्ड्रन ऑफ डिसीज डिसेबल एक्स सर्विसमैन, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जवान, एक्स सर्विसमैन के जवान भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रेलवे की जॉब निकली हुई है इसमें बता दें कितनी वैकेंसी है, कितनी क्या है। तो सबसे पहले तो बता देते हैं कि चैनल में ऐसे ही वीडियो एक्स सर्विसमैन के जॉब के और उनके डिपेंडेंट के मिलते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलने वाले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो वैकेंसी निकली हुई है एक्स सर्विसमैन की, कितनी वैकेंसी है वो बताएंगे। डिपेंडेंट कितनी एज वाले अप्लाई कर सकते हैं वो बताएंगे। तो एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसी है वो 10% है, पीडब्ल्यूडी की 4.5% है, जिसमें भी डिसेबल एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने वैकेंसी निकाली हुई, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से है। ये वैकेंसी निकली हुई 2022-23 के लिए और फॉर्म भरने की डेट है 25/4/2022 से 24/5/2022, यानी कि 1 महीने का टाइम है फॉर्म भरने का। जिसको फॉर्म भरना है जरूर अप्लाई करें। अभी वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं कितनी वैकेंसी निकली हुई है। रायपुर डिवीजन आर डीआरएम ऑफिस में जो वैकेंसी निकली हुई है अलग अलग पदों पर निकली हुई है और 10th पास इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो रायपुर डिवीजन में वैकेंसी निकली हुई, वेल्डर के लिए निकली हुई है, टर्नर के लिए निकली हुई है, फिटर के लिए निकली हुई है, इलेक्ट्रीशियन के लिए निकली हुई है, स्टेनो के लिए निकली हुई है। इसके बाद मैकेनिस्ट, कई पदों की वैकेंसी है जिसमें अनरिजर्व के लिए 276 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 70 है, ओबीसी के लिए 189 है, एससी के लिए 108 वैकेंसी है, एसटी के लिए 53 वैकेंसी है। टोटल 696 वैकेंसी, जिसमें डिसेबल एक्स सर्विसमैन 26 वैकेंसी और नॉर्मल एक्स सर्विसमैन की 70 वैकेंसी। ये एक डिवीजन में है। इसमें दूसरा डिवीजन भी देख लेते हैं। इसके बाद वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में वैकेंसी है और फिटर की वैकेंसी है। ये ध्यान रखें इसमें भी एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है और इसमें जो एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपकी ट्रेड सर्टिफिकेट है तभी आप अप्लाई करें इन संबंधित ट्रेड से, नहीं तो आईटीआई होना चाहिए जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं, 10th और आईटीआई। अगर आईटीआई नहीं है तो आपके पास मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियन की सर्टिफिकेट है, ट्रेड सर्टिफिकेट, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 35 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है, पीडब्ल्यूडी की 12 वैकेंसी, टोटल 337 वैकेंसी है। तो टोटल अगर देखी जाए एक्स सर्विसमैन की 105 वैकेंसी है, पीडब्ल्यूडी की लगभग 36 वैकेंसी है। टोटल अगर वैकेंसी देखी जाए तो लगभग 1000 से ऊपर वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी अप्रेंटिस के पदों पर है इसलिए इनका ट्रेनिंग पीरियड भी चलेगा। तो ट्रेनिंग पीरियड कितना चलेगा वो भी बताएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 50% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है तो आईटीआई कोर्स किया हुआ होना चाहिए संबंधित ट्रेड से। इसके बाद एज लिमिट डिपेंडेंट जो है एक्स सर्विसमैन के 15 साल से 24 साल के बीच में होना चाहिए। 1/7/2022 को उनकी ये एज होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन को 10 ईयर्स इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो भी एक्स सर्विसमैन है एस सी एस टी ओबीसी को भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एस सी एस टी 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल। एक्स सर्विसमैन की एज जो एक्स सर्विसमैन होंगे 1/7/1988 से 1/7/2007 के बीच के होने चाहिए, क्योंकि ये अप्रेंटिस की है तो इसमें एज कम देते हैं। तो ध्यान रखें एज आपकी ये होनी चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 साल का रहेगा और इसमें स्टूडेंट यानी सैलरी भी मिलती रहेगी, लेकिन सैलरी 7,000 पर मंथ मिलेगी। ध्यान रखें इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा मेरिट लिस्ट हाई स्कूल के यानी 10th के मार्कशीट का और आईटीआई के मार्क का मतलब दोनों का मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये था वीडियो रेलवे ने जो अप्रेंटिस की भर्ती निकाली हुई है, 10th और आईटीआई इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आगे भी ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट के मिलने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद।